और गाइस फाइनली अपनी बाइक हो चुकी है लोड। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बलाचौर इस जगह को बोलते हैं एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सुबह हम लोग चले थे चंडीगढ़ से तकरीबन 7 बजे के आसपास एंड अभी टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं। तकरीबन 2 घंटे में हमने 85 किलोमीटर कवर किया है। रीज़न ये था कि पेट्रोल डलवाया रास्ते में आराम आराम से आए, और अभी हमारा जो आज का डिस्टेंस है वो चंडीगढ़ से बनिहाल का है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये जो राइड है तकरीबन 7 से 8 दिन की राइड रहेगी। ये कंप्लीट पूरी सीरीज़ एक रहेगी कश्मीर की, जिसमें हम लोग कश्मीर और काफ़ी सारी जगहें जो बीच में आएंगी वो कवर करेंगे। अभी हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से आप लोग देखना है यार, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है गाइस, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉग्स को पूरा देखना एंड तक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना अगर हो सके तो। तो चलो, ये ढाबा है जहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं। ये मेरे फ्रेंड हैं आकाश भाई, अभी इनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। फाइनली कर लिया ब्रेकफास्ट और अभी टाइम हो रहा है 9:24। चलो निकलते हैं, अब सीधा उस रास्ते पे जाना है अब हमने आगे की तरफ। अभी हम यहाँ पे रुके हैं बलाचौर में। जो मेरे साथ हैं आकाश भाई, उनकी बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये देखो, ये लाइट टूट गई है और थोड़ा सा हैंडल भी इनका हिल रहा है, तो बस ये थोड़ा सा काम करवा के फिर यहाँ से आगे हम निकलेंगे। ये रॉयल एनफील्ड का ही यहाँ पे स्टोर है। चलो जी, हो गया फाइनली जो काम करवाना था। क्या लोकेशन उसी की डाल लेता हूँ? हाँ, उसकी लोकेशन डाल लो। मतलब 90% यहाँ पे काम हो गया इनकी बाइक का, बस एक नट हैंडल के बीच में डलना है। वो थोड़ी सी आगे जाके एक जगह है, वहाँ पे डलवाएंगे, बस वो 5-10 मिनट का ही काम है। हम लोग हैं अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में एंड ये मालपुर रॉयल एनफील्ड है होशियारपुर से थोड़ा सा पहले। आकाश भाई की बाइक में कुछ काम करवाना था तो फाइनली अभी सारा काम हो चुका है। यहाँ पे हमें तकरीबन 1/2 आवर लग गया। ये अपनी बाइक है यहाँ पे लगी हुई। अब निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। आज तो मुश्किल ही लग रहा है पहुँच पाएंगे जहाँ पे हमें पहुँचना है, और ये स्टोर है। चलो फाइनली काम हो गया, अब आगे निकलते हैं। 273 किलोमीटर अभी रहता है बनिहाल यहाँ से, और टाइम दिखा रहा है 7 आवर्स 41 मिनट। सो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे। टाइम हो रहा है 2:43 एंड यहाँ पे हम रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। ये है अपने साथी भाई आकाश भाई, गन्ने का जूस यहाँ पे पीते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमने पठानकोट जो है वो क्रॉस कर लिया है।
एकदम मस्त, और सामने पहाड़ है बिल्कुल। टाइम अभी हो रहा है शाम के 4 बज चुके हैं। और अभी मैंने यहाँ से जो है बाइक सेकेंड टाइम रिफ्यूल करवाई। क्या जियो लेने में? हाँ, और उसमें ऐसा रिचार्ज करेंगे जिसमें अगर हो जाए डेटा का सारा, हम क्योंकि हमें कॉल सी करनी है, नेट चलाना है। हाँ, हो जाएंगी। चलो आगे मिल जाएगा, चलो चलें। हाँ, सो लेट्स गो यार, चलो चलें आगे, अभी काफ़ी रास्ता पड़ा है। तो यार हम लोग सोच रहे हैं कि रात होने से पहले पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले पहले हम लोग कहीं रुक जाएं, बिकॉज रात को ना सफ़र करना वैसे ठीक नहीं है, और हमारे नेटवर्क वगैरह भी सब कुछ जा चुके हैं, बिकॉज J&K में जो है वो कहीं बाहर का सिम चलता नहीं है। अगर आपके पास पोस्ट पेड है तो पोस्ट पेड चलेगा, अदरवाइज़ प्री पेड नहीं चलता यहाँ पर, तो हमें यहाँ से एक सिम लेना पड़ेगा। तो वो अभी हम आगे देख रहे हैं, कहीं मिलेगी शॉप तो हम लोग एक सिम ले लेंगे। गाइस फाइनली शाम के 6 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है, थोड़ा टाइम लग गया हमें, हम लोग एक सिम कार्ड ले रहे थे, आधा घंटा हमें वहाँ लग गया। यहाँ पे ना बीच बीच में थोड़ा ऑफ रोड भी आ रहा है, सो थोड़ा संभल के ही चलना पड़ रहा है, और मैं अब आपसे जो है डायरेक्टली वहीं जाके मिलता हूँ जहाँ पर हम लोग कैंप करेंगे या फिर अगर होटल लेंगे तो होटल। यार रात के 8:30 बज चुके हैं और टायर पंचर हो गया बाइक का, ये देखो सामने, और हम लोग यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मतलब ढाबा, छोटा सा ढाबा है बिल्कुल, और बाइक में इतना ज़्यादा सामान लोड है, और ये देखो बाइक का टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो गया मेरा तो। और आकाश भाई पीछे गए हैं पूछने कि कोई टायर पंचर वाला होगा, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे ही टेंट लगाएंगे और यहीं पे ही जो है रात को स्टे कर लेंगे, बाकी सुबह देखेंगे अब क्या होगा। ठीक है गाइस, सारा मूड ऑफ हो गया यार, यहाँ से उधमपुर 15-20 किलोमीटर बचा था, हमने वहाँ जाके स्टे करना था, बट चलो क्या कर सकते हैं। अब डायरेक्टली मैं सुबह ही मिलूँगा, देखते हैं, एक बार आपको रात को अपडेट दे दूँगा कि क्या हुआ। ठीक है, बीच बीच में ऑफ रोड इतना खतरनाक आ रहा है ना कई जगह, तो ये प्रॉपर्टी थी जहाँ पे हम रुके थे अभी कुछ खाने पीने के लिए,